जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। रसोई घर और मंदिर ऐसा स्थान है जो सबसे महत्वपूर्ण रखता है स्थान अपने घर परिवार में। ऐसे में प्रत्येक महिला को आवश्यक रूप से रसोई घर में यह कार्य करना चाहिए, जिससे कई दोषों का नाश होता है, सुख समृद्धि का घर परिवार में वास होता है। इसके साथ ही कुछ कार्य जो है रसोई घर में करने से प्रत्येक महिला को बचना चाहिए, जैसे कि माँ अन्नपूर्णा का वास रसोई में माना जाता है, साथ ही पितरों का स्थान भी विशेष रूप से रसोई घर में या मंदिर में माना जाता है। ऐसे में रसोई घर में विशेष रूप से भोजन बनता है, जो कि घर के प्रत्येक सदस्य जो है उसे ग्रहण करता है। वह भोजन जो है हमारे स्वास्थ्य को उत्तम करता है, मन मस्तिष्क को उत्तम करता है। ऐसे में वह सही ढंग से जो है बना हो या उसका सही ढंग से निर्माण किया जाए, तो वह जो है हमारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत बनाता है। क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता है, वह सही तरीके से पचता है, मनुष्य की बुद्धि को लगता है, शरीर को लगता है, तो धीरे धीरे जो है निर्णय लेने की क्षमता और कार्यों में निरंतर प्रगति होती जाती है। उत्तम स्वास्थ्य होता है तो सारी वस्तुएं स्वयं आ जाती हैं। ऐसे में रसोई घर में प्रत्येक महिला को आवश्यक रूप से यह कार्य करना चाहिए। सबसे पहले रसोई घर में जब भी भोजन बनाए, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में कभी भी रात के बर्तन न रखे हों, इस बात का ध्यान रखे। शास्त्र कहता है कि अगर रसोई घर में जूठे बर्तन होते हैं तो यह कई जो है वास्तु दोषों को जन्म देता है। रसोई का मुख जो है कहीं भी हो, ईशान कोण उत्तम माना जाता है रसोई इत्यादि के लिए, परंतु ना हो तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो भोजन बनाते समय, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप शहरों में रहने लगे हैं, कई असामान्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जगह इत्यादि की समस्या रहती है। रसोई कहीं भी बनी हो, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी को आपका मुख जो है पूर्व की तरफ हो, जिससे कि भोजन सुपाच्यता से बन सके। वास्तु विशेष महत्व रखता है किसी भी कार्य की उन्नति के लिए और कई दोषों के निवारण के लिए। इसके बाद जो है, आप रसोई किसी कारण से ना बना पाए हो तो किसी जो दोष इत्यादि उत्पन्न होते हैं उनके निवारण के लिए रसोई घर में आवश्यक रूप से मटका इत्यादि भरकर रखना चाहिए। मटका हो, बाल्टी हो, एक ऐसा स्थान बनाकर रखना चाहिए जो कि पितरों का माना जाता है। साथ ही यह स्थान जो है विशेष महत्व रखता है। घर पर आरओ इत्यादि लगने लगे हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिए, एक जगह ऐसा बर्तन होना चाहिए जो कि विशेष रूप से भरा हुआ हो। रसोई घर में भी, आपने मंदिर में भी देखा होगा, कई लोग कलश भर कर रखते हैं। यह जो है सुख समृद्धि का वास और एक सौभाग्य सूचक माना जाता है। ऐसे में आप सभी को भी आवश्यक रूप से मटका, कोई कलश हो, कोई जग हो, कोई बाल्टी हो, आवश्यक रूप से भर के रखनी चाहिए। कई वास्तु दोषों को जो है मिटाती है। इसके साथ ही पहली रोटी जो है गाय के लिए बनाकर रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम रोटी जो है आप सभी को स्वान के लिए निकालनी चाहिए। यह पितरों और देवी देवताओं तक सीधे पहुँचता है। इसके साथ ही जब भोजन बने तो अन्न का छोटा सा निवाला, जिस अग्नि में आपने भोजन निर्माण किया है आवश्यक रूप में, उसमें ओम अग्निदेवाय नमः कहते हुए समर्पित करना चाहिए। इससे जो है भोजन पूर्ण माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को लगता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर में कभी भी उल्टे बर्तन ना रखें। यही महिलाएं गलती करती हैं, जो कि कई वास्तु दोषों को जन्म देती है। तवा, कढ़ाई इत्यादि किसी भी अवस्था में उल्टी तरह से नहीं रखना चाहिए। उल्टी कहने का अर्थ है, कई लोग जो है सजावट करते रहते हैं रसोई में, परंतु उसे कढ़ाई जो है और तवा जो है वह उल्टा रख देते हैं। यह कई वास्तु दोषों को जन्म लेता है। यह करने से पूर्णतया बचना चाहिए। आपने अपनी दादी नानी के मुख से यह बातें सुनी होगी, परंतु इस जमाने में सभी लोग जो है इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रसोई घर में कभी भी नहाए धोए बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो, नहा धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके साथ ही रसोई घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जगह की कमी हो तो अलग बात है, देखो देवी देवता देखे सब चीज देखते हैं कि घर में कोई जगह का अभाव है, कोई अव्यवस्था है, परंतु जहां तक हो रसोई घर में सोने से बचना चाहिए। जूठे बर्तन इत्यादि रसोई में कभी ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। विशेष रूप से साफ सफाई, जो कि पूर्णता लाती है रसोई घर में, प्रत्येक महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा, कई महिलाएं जो है आदत होती है, पूर्णतया सारी चीजें खत्म हो जाती हैं उसके बाद घर में लाती हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है हल्दी, घी और आटा जो है सौभाग्यता को जन्म देता है, कई तरह के उपायों में कार्य में आता है और रसोई घर में विशेष महत्व रखता है। तो ऐसे में आप सभी
रेसिपी को यह पूर्णतया खत्म नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा सा मात्रा पड़ी हो, एक चम्मच दो चम्मच पड़ी हो, उससे पहले ही घर में लाकर रख देनी चाहिए। शास्त्र कहता है जिस घर में यह चीज़ें खत्म हो जाने के बाद आती हैं, धीरे धीरे धन संपदा इत्यादि भी क्षीण होती चली जाती है। तो आप सभी को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ वस्तुएँ होती हैं जो पूर्णतया कभी भी घर में खत्म नहीं होनी चाहिए, खत्म होने से पहले ही इन्हें घर पर लाकर रख देनी चाहिए। आज यह कुछ विशेष जानकारी थी रसोई घर से संबंधित। अन्नपूर्णा का प्रत्येक महिला में वास होता है। अगर घर में अन्न धन की कमी हो रही है तो इन चीज़ों का प्रत्येक महिला को ध्यान रखना चाहिए। आज की जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी, राधे राधे।